गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ अनाउंसमेंट किए हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ एक बार। आईटीआर फाइलिंग डेट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए थी वो 30 जून हो गई है। अब 30 जून 2020 हो गई है, जो कि पहले 31 मार्च 2020 हुआ करती थी। आधार पैन लिंकिंग की जो डेट है वो अब 30 जून हो गई है, राइट। विवाद से विश्वास स्कीम, उसकी डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है, 30 जून 2020। इंटरेस्ट ऑन TDS उसको रिड्यूस कर दिया गया है 18% से 9%। इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज नाउ एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 तक 80C से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप अपनी 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। GST रिटर्न फाइलिंग की डेट मार्च 20, अप्रैल 20 और मई 20, इन तीनों महीनों की, राइट। मार्च 20, अप्रैल 20 और मई 20, इन तीनों महीने की बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है, बट इट विल बी इन स्टैगर्ड मैनर। तो जैसे पहले था कि कुछ लोगों के लिए कुछ डेट हुआ करती थी, कुछ स्टेट के लिए कुछ डेट हुआ करती थी, उसी तरह से डेट होंगी। तो कुछ भी जो अनाउंसमेंट की है वो है कि लास्ट वीक ऑफ जून रहेगी, तो किसी के लिए हो सकता है 2500, किसी के लिए 2700, किसी के लिए 300, वो अलग अलग डेट रहेगी, बट लास्ट वीक ऑफ जून, बाय 30th ऑफ जून आप लोगों को फाइल करनी है। कंपनी जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फीस नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, नो इंटरेस्ट, नो लेट फीस, नो पेनल्टी। कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, ओनली इंटरेस्ट, वो भी रिड्यूस रेट है एट द रेट ऑफ 9%, नो लेट फीस, नो पेनल्टी। डेट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इज नाउ 30th जून 2020। तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की जो लास्ट डेट है उसको 30 जून 2020 कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए मेरे पास ये अवेलेबल है, आगे जैसे जैसे अपडेट कुछ भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।